समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिला फतेहपुर के थाना हुसैनगंज में 5 दिन पहले एक युवक की हत्या से हड़कंप मचा था। गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था और लाश सुनसान इलाके से बरामद हुई थी। कत्ल की वारदात पुलिस के लिए सिरदर्द थी, क्योंकि मरने वाले का परिवार कातिल की गिरफ्तारी के लिए जोर डाल रहा था और जब 5 दिन बाद खुलासा हुआ तो कत्ल की वजह और कातिल दोनों बेनकाब हो गए। ये तस्वीर 26 सितंबर 2013 की है और जगह जिला फतेहपुर के थाना हुसैनगंज का पलनहा गांव है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि खून से लथपथ एक लाश गांव के किनारे पड़ी है। पुलिस ने एक पल की भी देरी की मौके वारदात पर हाजिरी लगाई। युवक को गोली मारी गई, तड़प तड़प कर युवक दम तोड़ चुका था। मरने वाला संदिग्ध हालत में पड़ा था, यानी अर्ध नग्न। पेंट और चप्पल पास ही पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत लाश कब्जे में ली और तहकीकात शुरू कर दी। सबसे पहले मृतक की शिनाख्त कराई गई। युवक की पहचान रईस के तौर पर और बाशिंदा पल्लहा गांव का ही निकला। रईस नामक व्यक्ति की हत्या की गई थी इन्हीं अभियुक्तों द्वारा। इसकी बॉडी 26 तारीख को बरामद हुई थी। इस सूचना पर वर्मा हत्या कायम किया गया था और मैंने इसकी क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस थाने की पुलिस लगाई थी और इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें ये दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। कत्ल की वारदात पुलिस के लिए एक चुनौती थी। केस वर्क आउट करना पहली प्राथमिकता। फतेहपुर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और रईस की मौत का राज और कातिल दोनों बेनकाब हो गए। वारदात के 5 दिन बाद कातिल हत्थे चढ़ गए। रईस के 2 कातिल पकड़ लिए गए और जब रईस की मौत से उन्होंने पर्दा उठाया तो पुलिस भी हलकान रह गई। जी हाँ, कातिल तौकीद और उसका एक साथी। तौकीद ने पुलिस को बयान दिया कि रईस के उसकी माँ के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। लेकिन बात यहीं तक ही सीमित नहीं थी। रईस तौकीद की बहनों पर गंदी नजर रखता था और परेशान करता था। तौकीद पकड़ा गया है, इसकी माँ रेहाना से मृतक का अवैध संबंध था। ये बात जब खुल गई, ये बात उसकी लड़कियों को नागवार गुजरी और इसलिए इन लोगों ने अपना एक प्लान बनाया कि इसको खत्म कर दिया जाए। अभियुक्त ने भी बताया कि मां तक सीमित था, बाद में उसकी बहनों तक इसने अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो जो असहनीय बात थी इसके कारण इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब तौकीद से पूछा कि कत्ल क्यों और कैसे किया तो तौकीद का जवाब था, रईस ब्लैकमेल करता था, जान से मारने की धमकियां देता था और जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तो रईस धोखे से बुलाकर तमंचे से गोली दाग। ब्लैकमेल करता था, उसको बुला के ले गए, फिर वहीं पर गोली मारी, फिर हमें मार देंगे, हम बाप को मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। रईस परिवार की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। एक भाई एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर बस तौकीद ने जुर्म की उस मंजिल पर पैर रखा जिसका रास्ता सलाखों के पीछे जाकर खत्म हुआ। लेकिन तौकीद समझदारी से काम ले सकता था, पुलिस से मदद ले सकता था, लेकिन गलत रास्ता चुन कानून तो हाथ में लिया ही, साथ ही साथ अपने भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए। देवेंद्र कुमार, फतेहपुर, समाचार। अभी उसकी उम्र शुरू हुई है, महज 9 साल की है वो, लेकिन
इस नन्ही उम्र में ही उसे जिंदगी की कड़वी हकीकत से वाकिफ होना पड़ा। उसने देखा कैसे एक पिता स्वार्थ में डूबता है, उसने जाना कैसे काले लिबास को पहनने के बाद भी वकील फर्ज को भूलता है। आइए आप भी देखिए उसी स्वार्थी पिता और वकील का शिकार बनी मासूम की दर्दनाक दास्तान। इस उम्र में बेचैनी को गले लगाना मुनासिब नहीं है। हंसने खेलने और पढ़ने की उम्र है, क्योंकि अभी जिंदगी कच्ची है। धरती पर आए अभी 9 साल ही हुए हैं, लेकिन जाने कब 9 साल 90 की उम्र में तब्दील हो गए, खबर ही नहीं लगी। और जब जिंदगी की इस कड़वी हकीकत की खबर लगी तो दुनिया के लिए खबर बन गई। अब डरी सहमी हुई ये मासूम सितम की दास्तान बेगानों को अपना बनाकर बयां कर रही है। हम घर में आए थे, मेरा अब होने वाला है, 1 साल होने वाला है। तेज बोलिए थोड़ा। 1 साल होने वाला है। ये लोग लाए, बहुत काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे। अच्छा, क्या क्या काम करवाते थे? कौन लेकर आया था वहाँ से? आंटी लेकर आई थी। क्या क्या काम करवाते थे? झाड़ पोछा, बर्तन। बसंती झारखंड की रहने वाली है। पिता रांची की जेल में बंद था, जिस पर रांची में ही जिला अदालत प्रैक्टिस कर रहे वकील प्रदीप नाथ ने एहसान कर दिया, तरस खाकर उसे कैद की जिंदगी से आजाद कराया और फिर काम के बदले दाम भी ले लिया। पिता भी स्वार्थी निकला, उसने लाड़ को छोड़कर लाडली को ही बेच दिया। अब ये बच्ची लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद वकील के दामाद के पास मिली है, तो इसका हाल बेहाल है। उत्तराखंड में एक परिवार एक छोटी बच्ची को से काम ले रहे थे और उस लड़की का नाम बसंती है, करीब 9 वर्ष की है, झारखंड की रहने वाली है और चाइल्ड हेल्प लाइन और यहाँ एडवा के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इनके उसमें पुलिस की मदद से वहां से उन्हें छुटकारा दिलाया गया। किसी ने बताया कि उसके फादर कभी जेल में थे और ये लाल प्रदीप साहब हैं, इनके कोई रिश्तेदार वहां वकील हैं, उन्होंने उसके फादर को जेल से केस वगैरह लड़ा और छूटने के बाद उसके फादर ने इनको अपनी लड़की काम करने के लिए दे दिया था। बसंती एक सामाजिक संस्था की मदद से आजाद हो गई है, अभी राजकीय बाल गृह शिशु में आश्रय लिया है, लेकिन जुल्मो सितम सहने के बाद भी उसी स्वार्थी पिता के पास जाना चाहती है। उसके लाड को पाने की ख्वाहिश है जो अब तक नहीं मिला है। अब हम उम्मीद करते हैं मासूम को दुनिया की सारी खुशियां मिले। उम्मीद ये भी है कि काले लिबास वाले वकील और उसके परिवार को कैदी का लिबास मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, पास पास आओ, पास पास आओ।
गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई मौसा मौसी सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। ये है 15 साल की लड़की गैंग रेप की शिकार। टीचर के हाथों इस लड़की की पिटाई सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उसने जबान लड़ाई, क्लास के बाकी लड़के खामोश देख रहे थे। और मां के हाथों पिट रहे इस बच्चे का कसूर यह है कि इसने एक ग्लास या शीशा तोड़ दिया। ये बच्ची सड़क पर सोने को इसलिए मजबूर है क्योंकि घर वालों ने इसको बाहर निकाल दिया। और टीनेजर को इंटरनेट पर की गई गलती की सजा भुगतनी पड़ी। क्योंकि आपको बच्चों के खिलाफ हिंसा नजर नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो होती नहीं है। हमारे साथ आए, अपनी बात कहें, आवाज उठाए। यहां मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहां स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जी आर एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। जी आर एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। अगर दमदार हो मुद्दा तो चर्चा को चाहिए मीडिया का सबसे बड़ा योद्धा। अगर बड़ा हो मसला तो बहस मांगती है बेबाकी का बारूद और तर्कों का असलहा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री के साथ चक्रव्यूह शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना। संसद सदस्यता होगी रद्द, 2024 तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। चारा घोटाले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को भी 4 साल की सजा। जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा को भी 4 साल की सजा। लालू यादव के समर्थन में उतरे मुलायम अखिलेश। रामगोपाल यादव ने कहा लालू के साथ है समाजवादी पार्टी, हाईकोर्ट से जरूर मिलेगी राहत। दागे बचाओ अध्यादेश का भी सपा ने किया समर्थन। कैबिनेट ने अलग तेलंगाना राज्य को दी मंजूरी, हैदराबाद होगी आंध्र और तेलंगाना की राजधानी। गैंगरेप मामले में आरोपी राज्य मंत्री मनोज पारस के खिलाफ गैर जमानती वारंट। बिजनौर की जिला अदालत ने पारस की पुनर्विचार अर्जी की खारिज। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने दिया नया नारा, कहा विकास के लिए पहले शौचालय फिर देवालय बनना चाहिए। शौचालय के बयान पर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी के बयान से हुआ हिंदू धर्म का अपमान। संभल में सपा के सद्भावना सम्मेलन में धारा 144 का जमकर हुआ उल्लंघन। मंत्री इकबाल महमूद और विधायकों की मौजूदगी में हथियारों का जोरदार प्रदर्शन। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। पतंजलि योगपीठ में छापा पड़ा है, केंद्रीय उत्पाद कर विभाग ने की है छापेमारी। 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। पतंजलि योगपीठ पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से आ रही है, जहां पतंजलि योगपीठ पर छापा मारा गया है, केंद्रीय उत्पाद कर विभाग ने की है ये कार्रवाई। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें हरिद्वार से आ रही है, जहां 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। पतंजलि योगपीठ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, पतंजलि योगपीठ पर छापा पड़ा है, केंद्रीय उत्पाद कर विभाग ने की है ये छापेमारी। 20 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। पतंजलि योगपीठ पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। और इसी खबर और जरा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से हमारे संवाददाता शोभित वर्मा जुड़ गए हैं। शोभित, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पतंजलि योगपीठ पर छापा मारा गया है।
बिल्कुल दीदी, आपको बता दूं, जिस तरह से ये बाबा रामदेव के ऊपर बार बार कार्रवाई की जाती है, इस बार केंद्रीय उत्पाद कर विभाग की